एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच सीबीआई जल्द शुरू करने वाली है। सीबीआई की टीम जल्द ही सिवान के लिए रवाना होगी। हालांकि इस मामले की जांच पहले ही सीबीआई को सौंपी जा चुकी थी प्रदेश सरकार द्वारा, लेकिन अब तक सीबीआई ने इस मामले को टेकओवर नहीं किया था। वहीं पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दे चुकी हैं। इस याचिका में जेल से छूटे बाहुबली शहाबुद्दीन और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप सिंह, इनके अलावा सिवान के एसपी के खिलाफ हत्या के केस में सस्पेक्ट मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जावेद को मदद करने और उन्हें बचाने के खिलाफ भी जांच किए जाने की मांग की गई है। और साथ ही साथ ये भी मांग की है इस याचिका में उन्होंने कि एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर की जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीबीआई अब इस केस को फॉर्मली टेक ओवर करने वाली है। नीतीश सरकार पहले इस केस को सीबीआई के सुपुर्द कर चुकी थी, लेकिन अभी तक सीबीआई ने इसमें अपनी तफ्तीश शुरू नहीं की थी। अब खबर यह है कि जल्द ही सीबीआई की टीम सिवान जाकर के पूरे मामले की छानबीन और पड़ताल शुरू करेगी। आशा रंजन जो पत्नी है राजदेव रंजन की, उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी इस सिलसिले में बात की थी।